ये नजारा है मुजफ्फरपुर के आईजी कार्यालय का, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं एक पुलिस वाले को दौड़ा रही हैं। ये पुलिस वाला बोचहां थाना अध्यक्ष है, जिसे बोचहां की ही महिलाएं दौड़ाकर पीट रही हैं। दरअसल ये महिलाएं इसी थानेदार की शिकायत लेकर आईजी के पास आई थी। वहीं पर ये थानेदार भी दिख गया। फिर क्या था, महिलाओं का आक्रोश फूटा और इस थानेदार को दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया। थानेदार ने अपनी जान आईजी ऑफिस में जाकर बचाई। उनका सीधा आरोप था थाना प्रभारी पे, ये कि हम थाने पे गए थे, हमने एक आवेदन दिया था जिस पे एफआईआर दर्ज हुई, मुवाबी के अगर एफआईआर दर्ज हुआ तो वरीय पदाधिकारी के पास जाएंगे। आज इनको ज्ञात था कि आज कोई जनता दरबार है आईजी सर का, तो मिल के अपनी व्यथा सुनाते तो। लेकिन जो आवेदन हमने देखा है उस पे तो ऑलरेडी आई साहब ने एफआईआर करने का आदेशित कर दिया है, वो मैडम को जाएगा और कंसर्न थाने को उसके बाद वहाँ चला जाएगा। फिर भी अभी जो थाना प्रभारी से बात, उनका कहना है कि हमको कोई आवेदन प्राप्त ही नहीं हुआ। तो अब ये दो तरीके तथ्य आ गए, एक तो आवेदन दिया गया उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, दूसरा है कि आवेदन प्राप्ति नहीं हुआ। तो आइए सर अपने स्तर से तो मुझे लगता है जाँच उसको करवा ही लेंगे। और दूसरा आवेदन जो यहाँ की महिलाएं ने लाई, वो स्पष्ट रूप से थाना प्रभारी को आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अब उसमें जो भी तथ्य लिखा हुआ है उसके आलोक में उसकी जांच होगी, जो आईजी साहब के मतलब दिशा निर्देश में ही होगा, वो जिसको भी जांच का जिम्मा देंगे जांच प्राधिकारी अपना उसका जांच करके रिपोर्ट देंगे अकॉर्डिंगली करवाएंगे। अभी हमें उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला हुआ है और न ही महिलाओं ने हमें कोई शिकायत किया है। अब इन जनरल अगर उनको बोलना हो तो आईजी साहब से मिलके भी बोल सकती है वो, लेकिन जो आवेदन मिला हुआ है वो उनको उनके आईजी साहब के कार्यालय को रिसीव करा दिया गया है और उसी के अनुरूप कार्य हो गया।